वेलकम स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज है 29 जुलाई 2022। मेरे साथ गुरदीप हैं। गुरदीप कहाँ से हो? मैं करनाल से। करनाल से हैं गुरदीप। तो गुरदीप हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे सितंबर 2021 के, है ना? पर आप आए थे, आपने फर्स्ट टाइम कब कॉन्टैक्ट किया था हमारे को? गुरदीप का बड़ा मन था कि मुझे फिजियोथेरेपी का कोर्स चाहिए और फिजियोथेरेपी के कोर्स के लिए गुरदीप ने लिथुनियन मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन लगाई थी बेसिकली सितंबर 2021 इनटेक के लिए। तो 2021 इनटेक में सितंबर में हमारे पास लगभग 100 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 96 के वीजा आ गए थे और 4 हमारे वीजा रिफ्यूज हुए थे, जो कि मैंने हमेशा बताया आपको कि वीजा रिफ्यूजल भी हमारी ही इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि समझना बहुत जरूरी है और इस पर्टिकुलर स्टोरी में तो खासकर। सो गुरदीप का बेसिकली वीजा रिफ्यूज होता है और रिफ्यूज होने के बाद जैसे कि हमारे प्रोसेस है कि मेरी टीम ने आपको फोन करा कि एक बार आप मुझसे आके मीटिंग कर लो, बिकॉज मेरे को जहां तक लगता है उस रिफ्यूजल से पहले हम दोनों नहीं मिले थे। आपने एप्लीकेशन लगाई, वीजा लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं ना, प्रोसेस ठीक चला हमारा, बिल्कुल। हमने 2 साल की ITR भी लगाई थी और हमने 5 से 6 लाख का फंड भी दिखाया था जो कि लिथुनिया के लिए मैंडेटरी है और वीजा फाइल में कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं था? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट। तो लिथुनिया के जो वीजा ऑफिसर है उनकी इवैल्यूएशन पे वीजा रिफ्यूज हुआ था या किसी किसी डॉक्यूमेंट की मिसिंग की वजह से हुआ? नहीं, उनकी इवैल्यूएशन पे। सो बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट की इवैल्यूएशन के बेसिस पे भी वीजा रिफ्यूज होते हैं और अगर वीजा ऑफिसर को कभी लगता है कि यू नो कि आपकी मोटिवेशन नहीं है तो उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन को रीजन नहीं बना सकते। चले आगे चलते हैं। तो गुरदीप के साथ बात हुई, गुरदीप को फोन किया हमारी टीम से कि भाई एक बार मुझसे मीटिंग कर लें, क्योंकि जब भी बच्चों के वीजा रिफ्यूज होते हैं मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मिलता हूँ, लेकिन गुरदीप ने कहा कि मुझे नहीं मिलना। ठीक है, यही बात थी गुरदीप? ठीक है। तो गुरदीप बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर मेरा भी वीजा रिफ्यूज होगा तो कहीं ना कहीं एक बार कॉन्फिडेंस लो जाता है, नहीं करता मन के यार दोबारा इनसे ट्राई। बिल्कुल सही बात है। तो फिर अब यहां से आए की स्टोरी बताओ कि इसके बाद क्या हुआ और वो कनाडा का चैप्टर कहां स्टार्ट हुआ? फिर उसके बाद मैं जैसे कुछ टाइम के लिए तो ऐसे रहा अपसेट है, फिर मैंने चलो कनाडा का ट्राई करते, क्योंकि मेरा बैट स्कोर भी अच्छा था। अच्छा, तो फिर मैं कनाडा करके अप्लाई। ठीक है, जैन टेक के लिए, जैन 2022 के लिए। 2022 के लिए, ठीक है। तो फिर वहां से रिफ्यूज हो गया। आपको मोस्टली यूट्यूब पे जाओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। SGS कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास IELTS स्कोर होना बहुत जरूरी है, दैट इज द रिक्वायर्ड IELTS स्कोर, व्हिच इज 6 ईच जरूरी है, और अपना 6 ईच नहीं था। नहीं था, ठीक है, इसी वजह से SGS किया था। तो अगर SDS के अंदर कर रहे हो तो वीजा असिस्टेंट बहुत अच्छा है, और अगर नॉन SDS कर रहे हो तो देखो वीजा तो आते हैं पर रिफ्यूजल भी आते हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद ही। ठीक है, फिर क्या हुआ? कनाडा गए, रिफ्यूजल आ गया, चेंज ऑफ एजेंट भी था, नए एजेंट से आपने अप्लाई करा, आगे क्या हुआ? फिर आगे कुछ टाइम रुक के मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया। अच्छा, तो फिर हमारी दोबारा बात हुई। दोबारा बात हुई, ठीक है। एंड दोबारा बात कैसे हुई कि हमने एक सेकेंड राउंड ऑफ कॉलिंग करवाई उन स्टूडेंट्स को जिनके वीजे 2021 सितंबर में रिफ्यूज हो गए थे और हमने मीटिंग नहीं करी थी और उसमें गुरदीप का नाम लिखा हुआ था, तो लकली हमने फोन करा, गुरदीप ने कहा चलो बात कर लेता हूँ, यही हुआ था राइट। और फिर हमने एक जूम मीटिंग करी और जूम मीटिंग के बाद एक संडे का दिन था, गुरदीप दिल्ली पहुंच गए और हम सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन में मिले और मिलके हमने बैठ के, इनके फादर साहब बैठे हुए यहाँ पे हमारे साथ अभी वीडियो में, और हमने एक डिस्कशन किया कि हम हॉलैंड चलते हैं। ठीक है, सो गुरदीप अब पहले अप्लाई करा, रिफ्यूजल आ गई, एक और एजेंट के पास गए, एक और रिफ्यूजल आ गई, दो रिफ्यूजल, दो एजेंट्स आपने कंसेंट्स यूज कर लिए थे, मोरल तो डाउन हो गई है। क्या रीजन था कि एक बार फिर से उसी फर्स्ट वाले के पास, मतलब कि पहले यू नो एक बार थर्ड के पास जाते तो समझ में आता, ये फर्स्ट कंसल्टेंसी, सेकंड कंसल्टेंसी, फिर दोबारा फर्स्ट के पास आना, ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे, मतलब ऐसा क्या था कि आपको लगा कि चलो दोबारा से इंडो यूरोपियन चलते हैं? सर उस टाइम जैसे मैं रिफ्यूजल आ गए थे कनाडा से, तो कुछ टाइम बाद ही
यहाँ से कॉल आ गई जैसे तो ना ठीक है, तो मेरे मन में है कि मैं एक बार शुरू में बात करके देख लेता हूँ ना, तो बस आपसे बात हुई तो आपने कॉन्फिडेंस दिया थोड़ा, स्क्रिप्ट भी कोई बात नहीं, तेरी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा केस बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम जैसे मिले तो वो चीज मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दोबारा के हो जाएगा, कोई वरी वाली बात नहीं। तो अब जो मेन कोर्स था जैसे मेरे को फिजियोथेरेपी चाहिए था तो वो यहाँ पे ही पॉसिबल था और यहीं पे मिल रहा था। अब आपको हॉलैंड में फिजियोथेरेपी मिल गया? मिल गया। ठीक है, तो आपका मैंने देखा गुरदीप की एक बात तो मैं बता दूं गुरदीप, हरियाणा और पंजाब में मैं कई बार देखता हूँ जब वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं ना तो बच्चे को ऑप्शन दो जी मैं आपको ना ये वाली कंट्री में कोर्स दे दूंगा शेंगन, बच्चा कहता कर दो कर दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात अच्छी लगी मुझे गुरदीप की कि इन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोल दिया सर देखो मुझे जाना फिजियोथेरेपी में है या मुझे हेल्थ मैनेजमेंट में है मैक्सिमम, मुझे जस्ट किसी भी कोर्स में नहीं जाना। और जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि इससे आपकी मोटिवेशन जो है वो दिखाई पड़ती है, आप अपने करियर को लेके कितने कंसर्न हो। सो गुरदीप अब एक तो ये रहा आपका वीजा, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी अगेन एंड आपका हो गया, सिद्धार्थ का हो गया, ये हमारे पास और भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके, अच्छा ये डिस्कशन मैं इसलिए बहुत ओपनली करता हूँ और इसको मैं इसलिए आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे भी वीजा रिफ्यूजल आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आज हम कहते हैं हमारे 100 वीजा आ रहे हैं किसी कंट्री में तो हमारे उसमें 5 से 7 रिफ्यूजल भी हैं, लेकिन वो रिफ्यूजल डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं है, वो प्रोफाइलिंग बेस्ड है कि आप एम्बेसी में जाके क्या आप कन्विंस कर पाए वीजा ऑफिसर को। एक चीज और थी, जब हमने आपको थुने का वीजा डाला था तो आपकी वीजा इंटरव्यू की ट्रेनिंग करवाई थी हमने, वो प्रोवाइड सर्विस वो कितनी बेनिफिशियल रही थी आपको लगता है वैसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ऑलमोस्ट सारी कवरिंग प्रिपरेशन में हुई थी क्योंकि जो क्वेश्चनिंग में से ऑलमोस्ट पूछी गई थी बाय वीजा लग चुका है और गुरदीप जा रहे हैं नेदरलैंड्स और ये जा रहे हैं पोंटियस यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली। सो अब इसका पूरा जो समरी ये बनी कि अगर आपका यूरोप में शेंगेन वीजा रिफ्यूज्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे पर्सनली मिलें डिस्कस करें और डिस्कस करके अपनी नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में जरूर कंसिडर करें, बिकॉज अगर एक यूरोपियन कंट्री से आपका वीजा रिफ्यूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी यूरोपियन कंट्री से वीजा नहीं मिल सकता। और आई एम श्योर गुरदीप जो है वो उसका गुरदीप कोई मैसेज स्टूडेंट के लिए शेयर करना चाहते हो? अगर आपकी रिफ्यूजल आ गई है किसी से या बाबा सर से भी है ना, तो प्लीज मेरे की तरह अपसेट मत होना, कॉल मत उठाना इनकी या ऐसा कुछ भी मत करना है ना, बिल्कुल जरूरी है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर गुरदीप ने कॉल उठा ली होती तो वो कनाडा रिफ्यूजल दिया था ना, रिफ्यूजल आता और आज फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता मेरा फिजियोथेरेपी का, जो मेन बात थी। कुछ चीजें गुरदीप किस्मत से भी होती है ना, जिसमें आप जितना मर्जी एफर्ट डाल दो, मतलब ये मेहनत हम पहले भी कर सकते थे लेकिन कहते ना आपकी किस्मत के सितारों में लिखा था कि आपने 2022 में ही जाना है और एक किसी कोड नहीं देखना आपने, और जाना भी आपसे है, जाना भी हमसे है, ठीक है। तो दीदी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, और आगे चलते भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट अस, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।